तो ये हमारे पास आईफोन, और आईफोन का आपको पता होगा अभी जब से नया 17 वर्जन आईओएस वर्जन आया है तब से लगातार इसके अपडेट्स आने लगे हुए हैं। 17.0.1 आया, उसके बाद अभी रिसेंटली फिर से 17.0.2 आ चुका है। तो यहाँ पर अभी यदि आप अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर iOS 17 है, जैसे कि यदि आप आईफोन 10s से लेकर आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 या फिर आईफोन 15 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यदि अपडेट है, इन अपडेट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप अपडेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तो आपको वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वारंटी में नहीं है और उस अपडेट करते समय फ़ोन में कुछ इशू आ गया, कुछ डेड हो गया या कुछ हुआ, तो आपको फिर वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे सर्विस सेंटर में जाकर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जैसे कि अभी आपको दिखाएं तो यहाँ पे अपडेट, अभी नया जो अपडेट आ रखा है आईफोन 17 या आईफोन किसी भी आईफोन के लिए जो आईफोन में 17 में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपडेट अभी देखने को मिलेगा iOS 17.0.2। तो ये अपडेट केवल उन लोगों के लिए है जो लोग आईफोन को अपग्रेड कर रहे हैं, नया आईफोन ले रहे हैं और सेम टू सेम डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ के लिए बग फिक्स निकाला है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो यदि आप ऑलरेडी अब अगर 17.0.1 पर हैं तो इस अपडेट को आप अभी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इस हो सकता है इस अपडेट के बाद आपका फ़ोन में कुछ इशू आ जाए। तो यदि इस ऐसा कुछ खास अपडेट में तो है नहीं, तो इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और जब नेक्स्ट वर्जन कुछ अपडेट सिक्योरिटी पे आएगा तो वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है, अभी जैसे ही कुछ और नए अपडेट वगैरह आते हैं तो हम आपको जरूर जरूर बताएंगे इसके बारे में।